ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हम किसी भी माध्यम से जिन शासन का हिस्सा बनी हुई है, चाहे वो जिनवाणी है, चाहे वो प्रवचन है, चाहे जाप है, चाहे अनुष्ठान है, चाहे सामायिक संबर है, नियम और प्रत्याख्यान है, जीवन जीने का जो आपका धर्ममय तरीका है, साधनामय जो जीवन है आपका, ये जिन शासन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी मैं हार्दिक अनुमोदना करता हूं। आचार्य हरिभद्र सूरी वास्तव में उनके शिष्टाचार के संबंध में दिए गए जो 18 गुण हैं, तो हमने कल सातवें गुण के ऊपर सातवें गुण तक सुना और आज हम आठवां गुण, एक बहुत गजब का है, इसके ऊपर मैं विशेष प्रकाश डालना चाहूंगा और इसी शब्द को लेकर के थोड़ा प्रवचन को भी आगे बढ़ाऊंगा। एक एक सीरीज समझ लीजिए, सीरियल वाइज समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे जीवन से कनेक्टेड है, ये आठवां सूत्र है। फिर मैंने ये सोचा कि इस पे विशेष चर्चा करूं, आगे तक ले जाऊं और जो जो भी इसके रूप हो सकते हैं उन सभी रूपों पर प्रकाश डालूं। कभी मन करता है कि संक्षेप में सुनाता चला जा, फिर कभी मन करता है कि नहीं, किसी बात को अगर कहना है तो गहराई में चला जा। अब ये मुझे पता नहीं कि आपको मेरा कौन सा व्यू पसंद आएगा, पर लेकिन मन ऐसा करता है कि कोई चीज सुनाने लगो तो उसकी डेप्थ में जाइए, उसकी गहराई में जाइए, अंतस्तन तक पहुंच जाइए, और जब कुछ चिंतन के सूत्र निकल करके आते हैं, उभर करके आते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर आपके मस्तिष्क को छू जाते हैं और छूते छूते अगर क्लिक कर जाती है कोई बात, और बात यूं क्लिक कर जाए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके अनुसार मैं भी जीने का प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा, अपनी अध्यात्मिकता को, अपनी धार्मिकता को सम्मानित करूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही है, सुनने में आपने आराम से सुन लिया है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन को देखकर, आपके धर्म पर और आपके गुरुओं पर, आपके खानदान पर कोई उंगली ना उठाए। अगर आपके व्यवहार को देखकर कोई भी अगर उंगली उठा रहा है, तो वो उंगली आपके माध्यम से पूरे शासन की तरफ उठ रही है, पूरे कुल खानदान की तरफ उठ रही है। तो ये जरूर सोचना चाहिए, जिस कुल खानदान को मैं ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता तो उसे रसातल तक तो ना ले जाऊं, उसको मैं ऊंचाई तक ना ले जा सकता तो उसको नीचे तो नहीं ले जाऊं। ये बात अगर हमारे तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाए तो ये भी शासन प्रभावना का एक सुंदरतम तरीका है। तो आठवां गुण बतलाया है प्रस्तावे मितभाषित्वम। देखो एक शब्द दिया है प्रस्तावे मितभाषित्वम, अगर कभी बोलने का मौका मिले, प्रस्तावे मितभाषित्वम, जब कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जहां बोलना जरूरी है पड़ जाए, तो मितभाषित्वम परिमित बोले, संक्षिप्त बोले,
नपा तुला बोले, जितना नपा तुला बोलेंगे उतने ही आप नपने से बच जाओगे, नहीं तो कोई भी नाप सकता है आपको, कोई भी टिप्पणियां कर सकता है आपको। भगवान से हमें वही मांगना चाहिए जो भगवान के पास है, और भगवान से हम वो मांगते जो उसके पास है ही, यहीं पर ही मूलभूत गलती करते। और ये जो मैं शिष्टाचार की बातें कर रहा था, एक शिष्ट व्यक्ति की, एक सदाचारी व्यक्ति की, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति की, एक सज्जन व्यक्ति की जो सोच है, वो सोच इस प्रार्थना में बिल्कुल हूबहू प्रकट होकर के उभरी है। अगर महसूस करो तो आप, सज्जन का व्यवहार, सज्जन का आचार, जिसे हम कहते हैं शिष्टाचार, जिसको हम कहते हैं सदाचार, वो कैसा होता है, ये गीत में निकल करके आया, ये इस प्रार्थना में उभर करके आया कि पूरे संसार को देखने का उसका क्या नजरिया है। ये नजरिया है सज्जनों का, देखते तो हर कोई है, लेकिन उस देखने में जो दर्शन है, देखिए एक होती है दृष्टि और एक होता है दर्शन, एक होता है देखना, एक होता है विजन। आप देखना क्या चाहते हैं, और जो भी आप देखना चाहते हो वो नजर आ जाता है। तो इसकी बात की गहराई में हम चले, आठवें गुण, इसके ऊपर थोड़ा लंबा चलेगा प्रवचन, कई दिनों तक चल सकता है, बोर मत होना, कोशिश तो करूंगा आपको बोर ना होने दो, नए नए फार्मूले, नए नए एंगल्स, नए नए दृष्टिकोण, नए नए नजरिए से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और वो भी शिद्दत के साथ, वो भी मोहब्बत के साथ। आपके घर का वातावरण किस तरह सुव्यवस्थित हो सकता है, और घर की व्यवस्था को चरमराने में, डगमगाने में, व्यवस्था को गड़बड़ाने में कौन सी चीज है जो मुख्य रूप से आपके घर के संतुलन को बिगाड़ देती है? क्योंकि जब मैं इसके ऊपर चिंतन करने लगा, प्रस्तावे मित भाषित्व, कि समय पर उचित और परमित बोले, तो ये इतना बड़ा विजन निकल करके आया मेरे सामने कि ये तो वास्तव में बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और उस चिंतन के विषय को लेकर के मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, जितने भी आएंगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपके हृदय तक पहुंचना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो कानों तक ही अच्छी रहती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो दिल तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी होती है। इसलिए प्रवचन मैंने रात का ही रखा, क्योंकि सुबह सुबह प्रवचन के फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। आप कहोगे क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है, क्योंकि आदमी जब सुबह सुबह प्रवचन में आता है ना, तो प्रवचन में दिमाग कम रहता है, बाजार में ज्यादा रहता है, वो घड़ी और देखता रहता है ना, कि यार महाराज के फालतू का बोल जाए, कहीं आगे ना खिसक जाए महाराज, क्योंकि उसे दुकान पर जाना है, उससे मिलने को जाना है, दिन निकलते ही शाम तक के प्लान निश्चित हो जाते हैं। आप सहमत हो इस बात से? अरे गर्दन तो हिला दो भाई, सहमत हो ना। और महिलाएं भी लगी रहती है, अब ये मीनू तैयार करना है, रसोई में ये बनाना है, अब ये कपड़े धोने, अब ये वो पोचा लगाना है, अब ये डस्टिंग करनी है, पेस्टिंग करनी है, पैकिंग करनी, अरे पूछो मत,
बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका टिफिन बनाना है, उनको वहां भेजना है, सब चीजें आपके आगे आड़े आ जाती है। और वही प्रवचन का समय, मैं संतों को कभी कभी सोचता करता था भाई यार ये प्रवचन का समय, कई संत कहते हैं कि प्रातः काल जनवाणी का प्रचार होना चाहिए, कि मैं मानता हूं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपकी उपस्थिति उस वक्त संपूर्ण है या नहीं, आपकी मनस्थिति तो कहीं और जाती है, आप उस समय संतुलन बैठाने की, चलो यार प्रवचन भी हो जाएगा, दुकान भी हो जाएगी, व्यापार भी हो जाएगा, लोगों से मिलना भी हो जाएगा, और कई माताएं बहनें तो व्यस्त तो होने की वजह से आ भी नहीं पाते, और इस समय बिल्कुल या तो तुम सो सकते हो आराम से, क्योंकि रात को तुम सोने का ही तो विचार कर रहा है, या कुछ ने खाया नहीं होगा तो खाने का ही सोचेंगे, कोई बाद में खा लेंगे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि प्रवचन के माध्यम से पहले खा पी करके फ्री होकर के बैठो, है ना, अच्छे ढंग से खा लोगे तो कम से कम प्रवचन में सोने का मजा तो आ जाएगा, सो लेना कोई बात नहीं, ये नींद तो निकाल लियो अपनी, नींद निकालने में क्या जाता है, मैं बैठा ही तो हूँ सहलाने के लिए, बहलाने के लिए, थपथपाने के लिए, सो जा बबुआ, मानो बिल्ली आई है, सो भाई आप, पर लेकिन अगर जागरूकता है, कोई चीज समझ में आ जाए तो जीवन भी बदल सकता है। और मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं, इसका एक और लॉजिक है, सुबह के प्रवचन के बाद आप खोने वाले ही हो बाजार में, वो नहीं रहेगा, लेकिन इस समय अगर कुछ शब्द दिल को छू गए, रात को सोते सोते तक वो विचार आपके साथ रहने वाले, आपके साथ जीने वाले, और हो सकता है वो बात दिल तक पहुंच जाए, मेरी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार गर्भितता है, अगर महसूस करो तो। और एक बिल्कुल ये कि आप अपने घर में बैठे बैठ के सुन रहे हो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह तुम्हें यहां आना पड़ता है, प्रवचन में आना पड़ता है, स्थानक में आना पड़ता है, और सो लफड़े और जल्दबाजी में, क्योंकि स्थानक में भी जाना, फिर और भी कहीं जाना है, और दिमाग ज्यादा तेज चल दिया और कुछ ज्यादा रफ्तार पहुंच गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो कम से कम जब घर से स्थानक में आओगे 100 लफड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अब तो कोई लफड़ा नहीं है, बस आराम से सुनो, और सुनते सुनते मैं ऐसे ऐसे शब्द भी बोल सकता हूं जिनको सुनने से घर के झगड़े भी खत्म भी हो सकते हैं। यार गुरु महाराज ने कहा था, देख अरे बात मैडम कुछ नहीं कहो भाई, आज है ना गुरु महाराज ने कान खोल दिए, और कान ही नहीं खोला, दिल का दरवाजा भी खोल दिया, देख बाबा मेरी भगवान माफ कर मुझे, कोई बात बात बन सकती है इस समय, उस समय क्या बनेगी बात। तो चारों तरफ से मैंने विचार किया कि ये प्रवचन कहीं ना कहीं आपके हृदय तक पहुंच सकते हैं, आपके दिलों तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत सुरक्षित समय है। अब पता नहीं सब सहमत है या नहीं मेरे से, पर लेकिन कहीं ना कहीं बात में दम तो है, अगर मानो तो महसूस करो तो। आज मैं ये वाणी के विषय को मैं थोड़ा लंबा चलाऊंगा, क्योंकि सारा खेल किसका है बोलो, ये लल्लो बाई, इसको लल्लो बाई भी कहते हैं, ये जिह्वा है और ये जीवन है आपका, ये पहचान है। आपने देखा होगा हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, पहली कौन सी, स्पर्श इंद्री, फिर दूसरी रस इंद्री, फिर तीसरी घ्राण इंद्री, फिर चौथी चक्षु इंद्री, फिर पांचवी श्रोत इंद्री। देखो चले कहां से पहुंचे कहां, सबसे पहली जो इंद्री है वो हमारी स्पर्श इंद्री है। स्पर्श तो आप समझ गए, टच 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 करने से, स्पर्श यानी टच करना, आजकल के फोन भी टच वाले आ गए, टच वाले, पहले दबाने वाले आते थे फोन, अब टच वाले फोन आते हैं, और पता नहीं पहले तो लोग बहुत ड्रा करते थे, टच करती पता नहीं क्या क्या होने शुरू हो जाता था अब। और चलो मैंने तो यही सोच रहा हूं, आपके टच करने से मोबाइल भागता है, लेकिन कोशिश करना आपने स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन कहिए टच फोन कहिए, बात एक ही है। और बस ये सोचना चाहता हूँ, ये बतलाना भी चाहता हूँ, आपने अभी फोन की स्क्रीन को ही टच किया है या किसी के दिल को भी टच किया है या नहीं, किसी के हृदय को छुआ है या नहीं,
किसी के मन मानस को प्रभावित किया है या नहीं, अपने जीवन के प्रभावित किया है या नहीं, अपने मन को अपनी आत्मा को टच किया है या नहीं, ये जरूर विचारणीय एक प्रश्न है। तो मैं कह रहा था कि एक विषय लेकर के चल रहा हूं वाणी के ऊपर, और मैं सोच रहा हूं कि इसको शुरू कहां से करूं। तब मुझे एक समझ में आया कि एक जैन परंपरा में एक स्लोगन आता है, स्लोगन बोला भी जाता है, जैनम जयति शासनम, है ना, ये हम बोलते हैं। और ये जो शब्द है ना जैनम जयति शासनम, ये चारों संप्रदाय में बोला जाता है, चाहे दिगंबर हो, चाहे मंदिर मार्ग की हो, चाहे स्थानिक वासी हो, चाहे तेरा पंथी हो, ये क्योंकि पहचान है, ये जैनत्व की एक पहचान है, जैनम जयति शासनम। इसका मतलब क्या है, जैन कौन, जैन कौन, कोई समुदाय विशेष को हम जैन नहीं कहते, जबकि हम उस चीज को मानने लग गए हैं। अब तो जैन एक जाति भी बन गई, आरक्षण के चक्कर में, भाई आरक्षण का लाभ लेने के चक्कर में अब इसको एक जाति भी बना दिया गया है, लेकिन जैन कोई जाति नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, जैन एक आचरण है, जैन एक विचार है, जैन एक चिंतन है, जैन एक नजरिया है, जैन एक दृष्टि है, जैन एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा विजन, जिस दर्शन से हम आत्मा को देखने की कला जानते हैं, ये वो दर्शन है। हम किसी की आंखों को पढ़ना जान जाते, किसी के चेहरे को पढ़ना जान जाते, इतनी संवेदनशीलता होती है जैन लोगों में, होनी चाहिए, जो कि नहीं है, अब घटती जा रही है। ये तो जैन यानी संवेदनशील, संवेदनशील यानी जैन इतना गहरा व्यक्ति, इतना गहरा व्यक्ति कि बिना बोले दिल के हाल का पता लगा ले, उसको कहते जैन। आप क्या समझते हो जैन का मतलब, ये कोई कि माला फेर लेना जैन हो गए, समाई कर लेना जैन हो गए, ये कोई जैन की उथली परिभाषा है, उथली यानी ऊपरी, ऊपर की परिभाषा है। असली जैन तो वो है जो आदमी का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल जान ले, उसका दिल का हाल पहचान जाए, यानी चेहरे के पार देखने की दृष्टि जिसके पास है वो जैन दृष्टि होती है। जैन दृष्टि तो वो है मुस्कुराते हुए चेहरे के बीच में किसी के दर्द को देख ले, ये जैन दृष्टि है। आदमी बाजार में मुस्कुराता है, लेकिन क्या पता तुम्हें उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द लिए फिर रहा है वो, उस मुस्कुराहट के, मुस्कुराते हुए चेहरे के अंदर जो दर्द है उसे महसूस कर ले, ये दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है, ये मैत्री भाव से आता है, ये करुणा से आता है, ये अनुकंपा से आता है। जैन दृष्टिकोण बड़ा जबरदस्त, आप सोच भी नहीं सकते वहां तक, क्योंकि जब आंखों पर संप्रदाय का चश्मा पड़ा हो ना तो आप सोच भी नहीं सकते उस चीज को, सोच भी नहीं सकते। लोभ लालच का चश्मा पड़ा हो तो सोच भी नहीं सकते आप, स्वार्थ का चश्मा पड़ा हो तो आपके पास जैन दृष्टि आ ही नहीं सकती है। स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, मायावी व्यक्ति, लालची व्यक्ति कभी किसी के दर्द को पहचान नहीं सकता है, अगर आप कभी महसूस करके देख लेना। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, अहिंसा चाहिए, मैत्री चाहिए और संवेदनशीलता चाहिए। तो जैनम जयति शासनम, इसका मतलब यह है जो अपने शासन के अनुसार जीता है उसे हम जैन कहते हैं। वाह क्या प्यारे शब्द है, जो अपने शासन के अनुसार जीता है, यानी जो भगवान की वाणी के अनुसार जीता है, यानी जिसको केवली प्ररूपित धर्म पर भरोसा है, केवली प्ररूपित धर्म,
केवली किसको कहते हैं? केवली होता ही वही है जो निष्पक्ष हो, जो राग द्वेष से मुक्त हो, उसको हम केवली बोलते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान निष्पक्ष हुए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और केवल ज्ञान किसके अंदर आ सकता है? जिसमें राग और द्वेष ना हो, वही केवली बन सकता है। ये मेरी शब्दों को पहचानिएगा आप। जिसमें राग द्वेष नहीं होता वो केवली बनता है, जिसमें राग द्वेष नहीं होता उसे हम एक और शब्द देते हैं, अरिहंत। वही अरिहंत कहलाता है, उसे हम केवली भी कहते हैं। क्योंकि केवली यानी जो केवल आत्मा को देखता है, केवल आत्मा का अनुभव करता है, जो विकारों से कसायों से पार हो जाता है। और ये मैत्री भाव की ताकत है जो आदमी के शरीर को बींधते हुए मन तक पहुंच जाता है, और मन को बींधते हुए चेतना तक पहुंच जाता है, और चेतना को भेदते हुए आत्मा तक पहुंच जाता है। वो जाके परमात्मा बनता है, ऐसे नहीं बनता। अरिहंत परमात्मा ऐसे नहीं बने। आपको तो प्योर माल मिला है, लेकिन इस माल को पचाने के लिए भैया पाचन तंत्र भी चाहिए। हाँ, लीवर तो खराब पड़ा है, और घी कहां से खाओगे आप? पानी तो पचता नहीं, घी कहां से पियोगे आप? जैनत्व तो ऐसी चीज है, प्योर चीज है, लेकिन प्योर चीज को पचाने के लिए भी अंदर प्योरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए। अगर अंदर से बीमार हो तो नहीं पचा सकते आप। जब आपको बुखार चढ़ रहा हो ना, तो आप भोजन भी ढंग से नहीं खा सकते, भूख नहीं लगती जब आदमी बीमार होता है। कभी भी देख लेना, जब आपको बुखार हो तो आपको खाने का दिल नहीं करता है। तो ये बीमारी हमारे अंदर की है, अंदर की है। उस बीमारी को एक दृष्टिकोण लेकर के चल रहा हूं, उसका नाम है जैनम जैति शासनम। और इसको एक शब्द और दे देता हूं, अनुशासन। ये बहुत अच्छा शब्द आया, अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, जिसको कभी कभी हम रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, रोकना, जिसको हम संयम भी कहते हैं, जिसको हम मर्यादा भी कहते हैं। अनुशासन, अनुशासन का मतलब क्या बताओ आप? शासन के अनुसार अपना आचरण पालने वाले को हम अनुशासन कहते हैं। अनुशासन है ना, अनुसार, अनुसार, अनुयायी, अज्ञानुवर्ती, अनुवर्ती। अनुवर्ती कहते हैं पीछे पीछे चलने वाला, इसको हम अनुयायी कहते हैं, और इसको हम फॉलोवर्स भी कहते हैं, फॉलोइंग भी कहते हैं। हम जब हम किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी के पीछे चलते हैं, वो हमारा, हम तभी हमें कोई फॉलोवर्स कहता है। तो हम महावीर को फॉलो करते हैं, हम जैन शासन को फॉलो करते हैं, हम एक ऐसी दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं जो दृष्टिकोण आत्मा की दृष्टि है। हम व्यक्ति को शरीर की दृष्टि से नहीं देखते, जात पात की दृष्टि से नहीं देखते, अमीर गरीब की दृष्टि से नहीं देखते, ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखते, काले गोरे की दृष्टि से नहीं देखते, हम अग्रवाल ओसवाल कोरवाल की दृष्टि से नहीं देखते। हम केवल देखते हैं तो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। ये है दृष्टि जैन की। लेकिन आजकल तो ये भी, ये दिगंबर है रे, ये और दिगंबर में भी ये उसका भगत है, और ये भाई थानक वाला है, और थानक वालों में भी ये उसका भगत है, ये मंदिर मार के बस पक्का मंदिर मारती है, मैं ये पक्का तेरा पंथी है। ये जब पक्का होता ना, पक्का, उससे जैसा कच्चा व्यक्ति कोई होता ही नहीं, वो धर्म के लायक नहीं होता। हाँ, इसलिए मैं एक चीज जरूर कहता हूं, मैं पक्का स्थानक वासी नहीं हूं, मैं मानता ही नहीं अपने आप को स्थानक वासी, और मानता हूं तो केवल इतना मानता हूं कि मैं बाय चांस स्थानक वासी हूं, बाय चांस, बाय चॉइस नहीं हूं। क्योंकि मेरा इस बाने से संबंध लिखा हुआ था, संयोग लिखा था, मुझे गुरु भी मिला है, उससे भी मेरा संयोग लिखा है, ये बाय चांस है। लेकिन बाय चॉइस में जैन संत, जैन संतों में, क्योंकि अगर मैं पक्का स्थानकवासी हूं, इसका मतलब मैं, मेरी जो महावीर के तीन बच्चे और हैं, तीन और पंथ हैं, मैं उनका विरोधी हूं। फिर मैं पक्का हो गया ना, मैं अपने आप को रिज्यूम कर दिया ना कि भाई मैं उनको नहीं मानता। तो ये जो भेदभाव आता है,
ये भेदभाव हमारी आत्मा को गिराता है, जैनत्व को गिराता है, मैत्रीभाव को घटाता है और मोह कर्म में लेकर के जाता है, मोहनीय कर्म के अंदर लेकर के चला जाता है। और है ही क्या ये मोहनीय कर्म है? जो भी कट्टरवादी है वो मोहनीय कर्म का पुजारी है, वो महावीर का पुजारी हो ही नहीं सकता। आपको मेरी बात हजम होगी या नहीं होगी मुझे इस चीज की दरकार भी नहीं है। आप कल से मुझे सुनने आओगे इस चीज की भी मुझे कोई दरकार नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो कट्टरवादी है वो महावीर का अनुयायी नहीं, वो अपनी परंपरा का अनुयायी हो सकता है, वो परमात्मा का अनुयायी नहीं हो सकता है। वो परंपराओं का भक्त हो सकता है, वो महावीर का अनुयायी नहीं हो सकता है। क्योंकि महावीर को मानने वाला चींटी में भी वही देखता है जो अपने में देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु मिट्टी में सर्वभूयेषु, ये महावीर का दृष्टिकोण है। मिट्टी में सर्वभूयेषु जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं सबके प्रति मेरा मैत्री भाव है, ये महावीर की दृष्टि है। या तो सास और बहू की नहीं बनती भैया है, या देवरानी जेठानी की नहीं बनती, या तो साधु साधवियों के आपस में नहीं बनती, या एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, तो हम कहां से बन सकते हैं? हम महावीर के नाम पर जी रहे हैं लेकिन महावीर को हमने जिया नहीं है, उनके नाम पर जी रहे हैं। महावीर हमारी जिह्वा पर रहता है, जिह्वा पर, लेकिन जीवन का हिस्सा नहीं बना है। क्योंकि जीवन का हिस्सा बन जाए तो देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो मेरे कहने का भाव अनुशासन, शासन के अनुसार जो अपना जीवन जीता है। अब देखते हैं, इसका उदाहरण दो, जैसे आप शुरुआत में बच्चे को स्कूल में भेजते हो तो शुरुआत में बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं, पहले तो जाने को तैयार था ही नहीं, क्योंकि पहले बच्चे को 5 साल की उम्र में भेजा जाता था। आजकल तो बच्चों को उस उम्र में भेजना शुरू कर देते जहां वो बेचारा ज्यादा होश में रहता ही नहीं। हाँ, 1.5 साल में बच्चा, चल बच्चा निकल निकल, अरे 1.5 साल के बच्चे को तुम बाहर निकाल देते हो। जिस बच्चे को तुम्हारी अभी परवरिश की जरूरत थी, पर लेकिन ये सोचने लग गए ये बच्चा रहेगा तो इसे खिलाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहीं इधर उधर भाग जाएगा तो इसको देखना पड़ेगा, स्कूल में भेज दो इसको, भेज दो। नहीं तो पहले बच्चा 5 साल में उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती थी, समझने की शक्ति आ जाती थी, तब वो भेजा जाता था। और जब वो भेजा जाता था तो उस समय बहुत रोता था, और उस समय बहुत रोता था तो उसे मनाते थे, जा बच्चा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। तो उस समय क्या कहते, ले चॉकलेट ले ले, है ना, ये कुछ चीज ले ले, मिठाई ले ले, मेरे बच्चे जा तो सही। और जब भी नहीं जाता, 1-2 थप्पड़ भी मार दिया करते थे उस वक्त, और जब थप्पड़ दूसरे आहा में जा रहा हूं क्योंकि थप्पड़ में दर्द हुआ, मैं जा रहा हूं, और फिर वो जाने लगता था। जाते जाते फिर उसे एक अभ्यास हो गया, वहां अच्छा लगने लगा, फिर वो अपने आप तैयार होने लगा, फिर वो आपके कहे बिना जाने लगा, और ये कहने लगा माँ फटाफट तैयारी कर दो, मुझे स्कूल जाना है। देखिए वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई है या तो भय से, या लालच से, या कुछ ना कुछ कह करके चले हैं। लेकिन फिर जब उसको अपने आप आदत पड़ जाती है जाने की, फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे स्व आसन कहते हैं। ये अपने आप इससे प्रेरित होकर के जाने लगता है, लेकिन इसको पाने के लिए भी एक अभ्यास की जरूरत पड़ती है। आज के जमाने में एक फैशन आ गया है भैया, आप पता नहीं मेरे से सहमत हो या नहीं, आजकल के बच्चे अनुशासन को, डिसिप्लिन को, या टोका टाकी को बुरा मानते हैं। भाई हर किसी को अपने जीवन जीने का अधिकार है, है? जो चाहे जो टोका टाकी करने लग जाता है। आजकल बच्चों को टोका टाकी पसंद नहीं, तू ये खा ले, ये पहन ले, ये मत पहन, तू देख जरा रुक जा, नहीं मेरे खाने पीने में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं, और डरने लगते भैया, क्योंकि टोकना पसंद नहीं है बच्चों को, रोकना पसंद नहीं है। और रात के 12-12, 2-2 बजे तक बच्चे आते हैं, माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं ये पूछ ले कि बच्चे तू कहाँ था रात को, बोल नहीं सकते, डर लगता है, पता नहीं क्या बोल दे, इतना डर।
लेकिन पहले हुआ करता था जमाना, मालूम है जो बुजुर्ग हुआ करते थे दरवाजे के पास उनका बिस्तरा हुआ करता था, पहले थी इस तरह का सिस्टम, 20-25-30 जने एक ही घर में रहते थे, बुजुर्ग की खाट वहां रहती थी जहां से लोग आ जाया करते थे, यानी पता रहता था कब कौन गया कब कौन आया, ये पता रहता था। आजकल कुछ नहीं भैया, अनुशासन ही नहीं रहा। और कहने लगे अनुशासन तो बंधन है, कौन पड़ेगा इस बंधन के चक्कर में, लेकिन ये भूल जाते हो कि बंधन के बिना जीवन बनता भी नहीं है। कैसे? ऐसे। अब सपोज करो एक बच्चे को पेट में रहने के लिए कितने महीने की जरूरत पड़ती है, 9 महीने की, है ना। तो वो 9 महीने से पहले बच्चा सोचने लग गया ना मुझे तो जल्दी बाहर आना है। अगर वो बच्चा 4-5 महीने में बाहर आने की कोशिश करे तो क्या उसका जीवन खतरे में पड़ेगा या सुरक्षित रहेगा? यानी बच्चे को भी 9 महीने का गर्भ चाहिए, 9 महीने की प्रेगनेंसी चाहिए, वहां पर वो प्रिजर्व में रहता है, उसकी जो भी डेवलपमेंट जो है उसकी प्रॉपर वो वही रहती है। आखिर माँ के पेट के एक दायरे में कैद रहकर के एक बच्चे का पूर्ण विकास होता है, और उसके बाद जब जन्म लेता है पूरे महीने के बाद तो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। और इसके अतिरिक्त ये बिजली के तार होते हैं जो लगाए जाते हैं, उसके ऊपर रबड़ भी लगा हुआ रहता है, प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है। अगर आप सपोज करो वो कवर ना हो, प्लास्टिक ना हो, या जो भी उसने कवर किया है, नंगे तार हो, तो वो खतरनाक रहेगा, या वो ढका हुआ तार है वो ज्यादा सुरक्षित है। टेबल फैन होते हैं उसके ऊपर भी आगे पीछे लगे हुए रहते जालियां, वो जालियां इसलिए लगाते हैं ताकि चलता हुआ पंखे में कोई हाथ ना दे दे, बचाव हो जाए। और देखिए आप प्लग जो लगाते हो, प्लग में भी इस ढंग से रखा गया है कि वो उसे घटाओ या बढ़ाओ तो करंट ना लगे, यानी हर चीज को बांधा गया है, संभाला गया है ताकि वो आपके काम आए। अब ये देखिए नदी जो होती है, दो किनारों के बीच में बहती हुई नदी कितनी प्यारी रहती है, उससे वो बिजली का उत्पादन होता है, खेती बाड़ी का काम आता है, पीने के काम आता है। कौन सी नदी का जल, जो पानी दो किनारों के बीच में होकर के गुजरता है, जो बंधन में बंधा हुआ है, दो बांधों के बीच में बंधा हुआ है, जितने भी बिजली घर है बांध है, बांध बड़े बड़े बांध होते हैं, डैम होते हैं, बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें होती हैं, उनके बीच में वो पानी बंधा हुआ रहता है तभी वो काम आता है। आप सपोज करो अगर वो बांध टूट जाए तो क्या बर्बादी हो जाए, क्या बर्बादी आ जाए। और जब बाढ़ आती है, बाढ़ में होता क्या है, ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो होने से क्या होता, कोई रास्ता कोई बांध टूट जाता है, दीवार टूट जाती है, तो क्या महातांडव मच जाता है। तो आप सोचिए जरा कि दो किनारों के बीच में बंधी हुई नाव नदी जो होती है वो जीवन दात्री होती है, और नहीं तो जीवन खतरे में पड़ जाए। इसी प्रकार आपके शरीर की इज्जत भी वस्त्रों में ढकी हुई रहती है, तभी ये फायदा भैया। हम कपड़ा इसलिए पहनते ताकि इज्जत ढकी रहे, तब तो नहीं सोचते हैं वो बेशर्माई होती है, यानी आपकी इज्जत आपका वस्त्र ढक रहा है। हम वस्त्र इसलिए पहनते ताकि इज्जत ढके हमारी, तो ये वस्त्र भी हमारी इज्जत ढकने के काम आता है, ये भी एक अनुशासन का प्रतीक है। हम ड्रेस पहनते हैं, हम मर्यादा में रहते हैं, हम हर चीज को, बाल बढ़े हुए हैं तो कितने बढ़ाने हैं और उसको सेटिंग कर रहे हैं, हम उसे बहा रहे हैं, उसे चुटिया बना रहे हैं, बांध रहे हैं, तो बांध तो रहे हो ना, तो बाल कहने लग गए अरे हमें बांधना नहीं, हमको बहाना नहीं, क्या हमको आजाद है रहना है, तो नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार खाने की भी एक सीमा होती है, भोजन की भी एक सीमा होती है, एक समय के बाद पेट कह देता बस पर्याप्त भैया, इसके आगे नहीं चलेगा। तो पेट का साइज निश्चित है, आपके पांव का जूता समझ लो, पांव नंगे पांव होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको जूता चाहिए तो आपके माप का चाहिए ना, पांव के माप का, आपके कपड़े आपके शरीर के माप का ही तो चलता है, यूं झूला झाला कोई लेकर के चलोगे आप, तो आप अपने माप का कितना ध्यान रखते हो, लेकिन जब मर्यादा की बात आती है तो नहीं, मर्यादा बहुत जरूरी। धर्म, असली धर्म वो है जो हमें अनुशासन में रखता है, हमें खाने की बात कहता है क्या खाना चाहिए,
क्या पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब धर्म ध्यान करना चाहिए, कब हमें सेवा करनी चाहिए, ये सब चीजें हमको धर्म सिखाता है। तो इसलिए कहता हूं, कहते हैं ना एक बात, जो जैन धर्म को मानता है, जो जिन धर्म को मानता है वो जैन कहलाता है। जिनो पासे इति जैन है, जो जिन देव का, जिनेंद्र देव को मानता है वो जैन कहलाता है, जो ब्रह्मा को मानता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव कहलाता है, जो बुद्ध को मानता है वो बौद्ध कहलाता है, जो यीशु को मानता है वो ईसाई कहलाता है, जो मोहम्मद को मानता है वो मुसलमान कहलाता है, जो गुरु को मानता है वो सिख कहलाता है। यानी सबके साथ जुड़ा हुआ है मामला, सबके साथ, कोई किसी से जुड़ा नहीं है। हाँ, जो सिंधु नदी के बीच में रहता वो हिंदू कहलाता है, जो वेदों को मानता वो वैदिक कहलाता है, जो श्रवण महावीर को मानता वो श्रवण कहलाता है। तो यानी आपकी कोई ना कोई पहचान है ना, उस पहचान को लेकर के हम जी रहे हैं और वो पहचान ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए जरूर एक बात का ध्यान रखना कि कभी कभी खुद को संभालना पड़ता है। मुझे स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का बहुत मौका मिला है और उनकी जीवनी से मैं हमेशा बहुत प्रभावित भी रहा हूं, और उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल पे जबरदस्त बोला है, बहुत जबरदस्त। अगर किसी ने विवेकानंद को पढ़ा हो तो वो वेदांत के बड़े व्याख्याता थे, वेदांत के। और वेदांत क्या है ये मैंने वही जाना है, भगवान महावीर का निर्वेद और विवेकानंद का वेदांत, ये अपने आप में निर्वेद कहिए या वेदांत कहिए, शब्द अलग अलग है, भाव एक ही है सब। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था आपको, महापुरुष को चखते चखते जाओ, चखते चखते जाओ, उनका स्वाद लेते जाओ, स्वाद लेते जाओ, फिर वो एक क्षण आता है वो एक ही जैसा स्वाद मिलता है, फिर कोई फर्क नहीं मालूम देता रहे आपको, कोई फर्क नहीं मालूम देता। तो स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग आता है मुझे कि जब वो कॉलेज की लाइफ में थे तो एक खूबसूरत चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया, और वो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, और वो चेहरा उनकी आंखों में इस कदर चला गया, वो किताब लेकर के बैठे तो किताब के पन्नों में वही चेहरा नजर आने लगा। हाँ, होता है कईयों को, और पहले तो हुआ ही करते थे ऐसे, किताबों के अंदर फोटो रखा करते थे, है ना, फोटो को देखते रहते थे यू, और लोग सोच रहे कि कितने दिल लगा करके पढ़ाई कर रहा है, भाई धन्य कमाल है भाई, पढ़ाई क्या गजब की चल रही है। और कभी कभी तो मैंने ऐसे भी लोग देखे शास्त्रों की किताबों में नावल पढ़ा करते थे, पहले भी नावल पढ़ा करते थे, अब तो नावल नहीं पढ़ते, पहले नावल पढ़ा करते थे धर्म की किताबों में, क्योंकि किताब मोटी और उसमें वो नावल चल जाया करता था। तो ये चीज, और कोई पत्र पढ़ा करते थे, कोई चित्र देखा करते थे, और बात ही करते रहते थे, उस चित्र को देखते रहते थे, बार बार देखते रहते थे, लोग सोचते भाई कमाल की बात है, क्या गजब की पढ़ाई पढ़ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद पढ़ने लगे तो चेहरा बार बार वो सोचने लगे यूं, भाई ये मामला क्या है, ये पहले मुझे किताब नजर आती थी, अब किताब में वही नजर आती है, तो ऐसे तो मैं विद्यार्थी नहीं रह पाऊंगा, और मुझे कुछ सीखना है, आत्मा की गहराई तक जाना है, लेकिन मैं तो चेहरे पर उलझ गया, क्या करूं। फिर एक निश्चय किया, देखिए आत्मानुशासन किसको कहते हैं, आत्मानुशासन। फिर सोचा कि ये गलती हुई कैसे, उस चेहरे को सबसे पहले देखा किसने, तब पता चला रे देखा तो मेरी इस आंख ने, आंख ने देखा, ओहो तू बहुत इतराने लगी है, आज इस चेहरे पर नजर लगा दी है, कल दूसरे चेहरे पर नजर टिका देगा, तो ये चेहरे देखते रहेगा, जीवन कब देखेगा, आत्मा कब देखेगा, वेदांत को कब देखेगा। तो उसी वक्त निश्चय किया कि इन आंखों को ज्यादा
जरूर सजा दूंगा। उसने लाल सुर्ख मिर्च लाया और उसका पाउडर बनाया और पाउडर दोनों मुट्ठियों में भरा और अपनी आंखों में डाल दिया। और जब चिमराट मची, झनझनाट हुई, आंखें तड़फने लगे वो बुरी तरह, तब कहने लगे, ले मजा, देख चेहरे का, ले ले मजा, मजा ले। बहुत देखती थी ना तू चेहरा, बहुत देखा करता था ना तू चेहरा, अब आंखों से पानी निकलने लगा। और फिर एक और संकल्प किया, अब तो तुझे मैंने यही सजा दी है, आंख यही सजा दी है मैंने तुझे, लेकिन आंख फिर भी ठीक तो हो ही जाएगी, थोड़े देर के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन याद रख लेना, अगर फिर दोबारा तेरी नजर गई ना किसी चेहरे पर अटकी, तो फिर तुझे आंख को बोला तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं दोनों आंखें ही फोड़ डालूंगा। ऐसे स्वामी विवेकानंद नहीं बने, उनकी जीवनी को जब ये देखा रे, वाह क्या बात है, क्या निकल कर के आया है व्यक्तित्व, ये अनुशासन, ये संयम। मैं कभी कभी सोचता था, पहले जब किसी बच्चे से भूल हो जाती थी ना, लड़के से, बड़े बड़े लड़कों के देखा मैंने, बड़ी बड़ी उम्र वालों के साथ देखा मैंने, बड़े बड़े मने जो 50 साल के 60 साल के लड़के और जिनके माँ मतलब 40 साल के बच्चे जो कमांडते थे, वो हमारे पास आते थे और कहते थे, पिताजी मेरे से बोल नहीं रहे, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि पिताजी की नाराजगी दूर हो जाए, क्योंकि वो जब बोलते नहीं है तो मुझको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, मुझे कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने उन आंखों में ये दर्द देखा है भैया। एक जमाना था, बच्चे से गलती हो जाती थी, बाप जब डांट देता था, बाप नहीं बोलता था, तो बच्चा माफी मांगता था, बड़ी उम्र वाला भी, बच्चों का बाप भी होते हुए अपने बाप से माफी मांगता था, पिताजी मुझे माफ कर दो, कान पकड़ता हूं, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। ये वो जमाना भी देखा है और आज ये भी जमाना देख रहा हूं। अगर जायज बात पर भी अगर आप किसी को डांट दो ना, जायज बात पर, जायज बात पर आज अगर आपने बच्चों को डांट दो ना, वो तुमसे बोलना छोड़ देते। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि माँ बाप को उनसे बुलवाने के लिए माफी मांगनी पड़ती है, वो कहते कि बच्चे मुझे माफ कर दे। कहां पहले बच्चे अपने माँ बाप से माफी मांगा करते थे, और आज माँ बाप बच्चों से माफी मांगते हैं। वो क्या जानते हैं अनुशासन किस चिड़िया का नाम, वो जानेंगे क्या, वो पहचानेंगे क्या, यानी उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी रिश्तों की, पहले रिश्तों की, पहले भाई भाई आपस में नहीं बोलते थे तो रोने लग जाते थे। मैंने वो भी जमाना देखा कि जब घर के कभी घर से अलग होता था भाई, तो 15-15 दिनों तक घर में रोटी नहीं बना करती थी, रोते थे, ऐसे रोते थे जैसे कोई मर गया हो, ये इतनी वेदना हुआ करती थी। लेकिन आज तो पहली प्लानिंग हो जाती है, ये कमरा उसका, ये कमरा उसका, इसके बाद ये व्यापार उसका, ये सब लिख देंगे। पहले तो अलग होने की सोचते नहीं थे, और अब ये आ गई ये स्थिति कि हमें अलग करते क्यों नहीं है। वाह भाई वाह, क्या नजारा है। तो मेरे बंधुओं, आज मैंने एक भूमिका तैयार की है प्रस्तावे मितभाषित्वम के ऊपर, कि ये जो वाणी है ना, ये वाणी, इसके ऊपर लेकर के चलूंगा चर्चा, क्योंकि चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, सबसे ज्यादा काम कोई चीज आती है तो कौन सी आती बताओ, हैं, यही यही वाणी, मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराहट तो बाद में आएगी। और देखो हर इंद्री का एक एक काम है, हमारे शरीर में एक इंद्री ऐसे जिसके दो काम है, बाकी सब के एक एक काम है। हाँ, अब शरीर की इसको स्पर्श इंद्री कहते हैं, ये केवल छू सकती है, बदले भी गर्म है, ठंडा है, हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है, ये हमको छूने से पता लगता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, है ना। और आंखों से हम देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम,
है ना, नाक से हम केवल सूंघ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कान से हम केवल सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी तो मुंह पट्टी के अंदर है, आपकी तो मुंह पट्टी के बाहर है ना, समझ रहे हो ना। तो जो ये जबान है ना, इसके एक काम नहीं है भैया, इसके दो काम है, ये खाने के भी काम आती है और बोलने के भी काम आती है। तो कल करेंगे इसकी चर्चा, प्रस्ताव है मित्रभाषिक का, वाणी के ऊपर एक श्रृंखला चलाऊंगा ताकि हमारे घर का वातावरण चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए। बड़ा मार्मिक प्रवचन है, अगर दिल से सुनोगे, औरों को भी प्रेरणा जरूर दीजिएगा। आपका समय हो गया।